नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। और मित्रों, मैं आज हूँ जालौर जिले के सांचौर तहसील के गोलासन गांव में, विश्व की सबसे बड़ी नंदीशाला में, जो पथमेड़ा गोदाम के द्वारा ही संचालित है और पथमेड़ा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और मित्रों, इस गौशाला का और कहूँ तो नंदीशाला का नाम है श्री हनुमान नंदीशाला, गोलासन, तहसील सांचौर, जिला जालौर, राजस्थान। तो मित्रों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो पथमेड़ा गोदाम है उससे भी काफ़ी बड़ी है। और इसमें जो नंदी की वर्तमान में संख्या है, नंदियों की, वो लगभग 80,000 से ज़्यादा ही है, क्योंकि इस गौशाला में लगभग 80 के करीब बड़े बड़े जो बाड़े बनाए गए हैं। और ये जो प्रत्येक बाड़े में लगभग 1,000 से ऊपर गोवंश है। और गोवंश में भी यहाँ नंदियों को ज़्यादा रखा गया है। हालांकि कुछ एक बाड़ों में गौमाताएँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे नंदी है। मतलब कहूँ तो 99% यहाँ पे नंदियों को ही रखा गया है। इसलिए कहूँ तो अपने भारत देश में सबसे बड़ी नंदीशाला अपने तरह की अनूठी एक है। और मित्रों, जो बाड़ों का साइज है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा साइज है, बहुत ही मैसिव साइज के बाड़े हैं। उस वजह से क्या है कि यहाँ पे पैदल घूमना संभव भी नहीं है। तो यहाँ से जैसे सेम वही जो अपने जिस प्रकार से पथमेड़ा गोदाम में घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी डिजाइन किया गया है। एक साइड से आप अपने गाड़ी से जाएंगे, या आपके पास समय है दिन भर पूरा तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन बाड़ों के अंदर घुसना किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए सख्त मनाही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कांकरेज नस्ल के ही जो नंदी महाराज है। तो उस वजह से क्या है कि अनजान लोगों के प्रति एग्रेसिव हो सकते हैं और या भड़क भी सकते हैं, और गौमाताएँ भी डिस्टर्ब होती है, तो उस वजह से मनाही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ ऊंची जाली भी लगाई हुई है, ताकि कोई भी नंदियों को या गौ माता को डिस्टर्ब नहीं करे। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ एक बाड़ों पर रुककर भी आपको वीडियो शूट करके दिखाने की। और ज़्यादातर जो ये नंदीशाला का टूर है वो इसी प्रकार से चलेगा। और प्रत्येक बाड़े के बारे में बोर्ड भी लगा है मित्रों, उसमें नंदियों की संख्या और अलग अलग जो डेटा है, चारे की जैसे कुंडियों की संख्या और कितना क्षेत्रफल है, वो भी सारा उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, ताकि जो यह मैनेज करने वाले हैं उनके लिए भी सहूलियत हो सके। और मित्रों, जालौर ज़िले में ये इस क्षेत्र की एक खासियत है कि यहाँ जाल के जो पेड़ है वो बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो जाल का जो वृक्ष होता है मित्रों, वो एक्चुअली गर्मियों के मौसम में अच्छी और ठंडी छाया देता है। उस वजह से जो नंदी है या गौमाता है जाल के वृक्ष के नीचे आराम से, मतलब एक नेचुरल वातावरण में रहते हैं, जो उनके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा रहता है, उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही बढ़िया रहता है। और वर्तमान में मित्रों, जो पथमेड़ा गोदाम के अंतर्गत है, 34 से ज़्यादा गौशालाएँ अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान में संचालित है, और भी अलग अलग गौशालाएँ स्थापित की जा रही है अलग अलग ज़िलों में। और ये नंदीशाला है, गुजरात बॉर्डर से भी ज़्यादा दूर नहीं है और जालौर के सांचौर के आखिरी छोर में लगभग स्थित है। तो जब भी आप पथमेड़ा गोदाम आए तो इस नंदीशाला को भी एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा किस प्रकार यहाँ से नंदियों की सेवा की जाती है। बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे क्या है कि जैसा कि आपने देखा होगा, गेट पे जो वे ब्रिज लगा है, जो गाड़ियाँ तोलने का कांटा है, क्योंकि चारे की गाड़ियाँ आती रहती है यहाँ पे। गौशाला का प्रशासन ही नहीं है बल्कि दानदाता भी यहाँ पे भेजते रहते हैं चारे की गाड़ियाँ। और पानी के लिए भी यहाँ पे ट्यूबवेल्स है, और बाहर से भी पानी टैंकरों के माध्यम से आता रहता है यहाँ पे। सामने देखिए आप, ये तालाब की भी एक खुदाई की गई है फ्यूचर के लिए, तैयार करने के लिए, एक नेचुरल वातावरण देने के लिए नंदियों को।
और सबसे बड़ी बात मित्रों, मुझे को अच्छा लगा कि इतने नंदी एक साथ रहकर भी आप देखेंगे कितने मतलब प्रेम से रहते हैं और कोई एग्रेसिवनेस शो नहीं करते हैं, क्यों जब वो साथ रहते हैं तो एक प्रकार की उनमें फ्रेंडशिप या मित्रता धीरे धीरे डेवलप हो ही जाती है और वो एक नेचुरल वातावरण में डल जाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात मित्रों, ये प्रत्येक बाड़े की जिम्मेदारी है, यहाँ पे एक बाड़े में एक या दो परिवार रखे हुए हैं जिसमें 5 से 6 एम्प्लॉय होते हैं, तो वो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस बाड़े का, वो ही ध्यान रखेंगे 24/7, यानी कि हमेशा उस बाड़े का ध्यान रखेंगे। जैसे कोई नंदी बीमार तो नहीं है, कोई आपस में लड़ तो नहीं लिए, या कौन चारा खा रहा नहीं खा रहा है, सब प्रकार से। और मित्रों, ये जो है धन्वंतरी चिकित्सालय यूनिट है नंदीशाला की, यहाँ पे जो बीमार और एकदम जो बूढ़े नंदी होते उनकी सेवा शुश्रूषा यहाँ पे की जाती है और ठीक होने के बाद में उनको रेगुलर बाड़ों में वापस भेज दिया जाता है। जो बूढ़े नंदी होते उनके लिए अलग से व्यवस्था की हुई होती है। आप देखिए आराम से बालू रेत बिछाई हुई है और कितना कम्फर्ट का ध्यान रखा गया है इनके लिए, बहुत ही अच्छा है। और चारे के बोरे भी भर के रखे गए हैं ताकि करवट बदलने में भी आसानी रहे। पंखे भी लगे हुए हैं और छत की हाइट भी उस प्रकार से है ताकि गर्मी भी नहीं लगे। बहुत ही बढ़िया, आराम से सब नंदी बैठे हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे जो बाड़े हमारे राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हैं, गाड़ी से अभी हम चल रहे हैं, और आप देखें कितनी अच्छी साफ सफाई भी है। और प्रत्येक परिवार को जिम्मेदारी इस प्रकार से बांटी गई है कि उनको अपने काम का ध्यान हमेशा रखते हैं और वो उनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिस्टमेटिक और कहूँ तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हर काम होता रहता है। और यहाँ पे जैसे बाढ़ की व्यवस्था की हुई है तो बाढ़ भी जो तारबंदी है वो भी इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं की हुई है, एकदम कम से कम खर्चे में, मतलब देखा जाए तो जो गोपालक है जो यहाँ से सीख ले सकते हैं कैसे इको फ्रेंडली वे से आप गोपालन कर सकते हैं। और कहूँ तो आप जैसे कम से कम खर्चे में आप उसको गाय को पाल सकते हैं। सामने एक बड़ा सा चारे का हॉल है, डिपो है, बहुत ही बढ़िया और अच्छे पेड़, छायादार पेड़ भी लगाए हुए हैं रास्तों के दोनों साइड में। और सामने एक खुला चारा डिपो भी है जो गेहूं की तूड़ी या ज्वार की कुत्तर जो मुख्य चारा होता है वो यहाँ पे होता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और यहाँ पे मित्रों आप देखिए जाल के वृक्ष कितने घने और कितनी गहरी छाया है यहाँ पे। और राजस्थान में आप देखेंगे मित्रों ये जाल के जो वृक्ष है पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा होते हैं। और जालौर जो जिला है वो दक्षिण पश्चिम हिस्से की तरफ है राजस्थान में, तो यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में जाल के जो वृक्ष है जो नेचुरली उगाते हैं और काफ़ी वर्षों बाद में जो गहरी छाया देते हैं। और इस वृक्ष का एक फल भी होता है जो खाने में बहुत ही पकने पर मीठा होता है। मैंने अपने बचपन में जो जाल के वृक्ष के जो फल है जिनको हम अपनी लोकल भाषा में पिल्लू कहते हैं, जो बहुत ही छोटी साइज का होता है, कहूँ तो एक चना होता उसकी भी चौथाई साइज में या कहूँ तो आधे से भी छोटी साइज का होता है। तो इस प्रकार से मित्रों गाड़ी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं सामने जो परिवार है प्रत्येक जो बाड़े में यानी गोठे में गायों का जो बड़ा गोठा है गोष्ठ उसमें रहते हैं और उनके बच्चे भी खेल रहे हैं और साथ में परिवार अन्य लोग भी है। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे वापस उसी जगह की
और बढ़ेंगे जहाँ से हम एंटर हुए थे, जो मेन गेट में। हालांकि हाईवे के बिल्कुल पास में ही है, स्थित है, और हाईवे के दोनों साइड में जो बाड़े भी बने हुए हैं, और लेकिन हाईवे के दूसरी साइड में जो कमी है, तो मेरी जो बड़ी वाली साइड है, जिस साइड में मुख्य जो नंदीशाला स्थित है, उस साइड का मैंने ये वीडियो बनाया है। और वापस हम उसी वे ब्रिज की तरफ आ गए, और इस प्रकार से हमारा टूर यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।